हेलो दोस्तों, जब मटर की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है तो आपको यह तीन गलतियां नहीं करनी है। ज़्यादातर किसान भाई यह तीन गलतियां मैक्सिमम टाइम करते हैं जब मटर की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है। तो वे कौन सी गलतियां हैं जो आपको मटर की फसल पर भूलकर भी नहीं करनी है, कब, जब फ्लावरिंग स्टेज पर हमारी मटर की फसल होती है। तो इन सभी की डिटेल जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मटर की फसल पर पहली गलती, यूरिया का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, कब, जब आपकी मटर की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है तो आप अधिक मात्रा पर नाइट्रोजन यानी यूरिया का प्रयोग ना करें। जो भी आप फर्टिलाइजर, जो भी आप उर्वरक हो या फिर ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग करना चाहते हैं तो फ्लावरिंग स्टेज से पहले पहले आप खादों का प्रयोग कर लीजिए। यदि नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है तो हो सकता है कि हमारी मटर की फसल बढ़वार तो प्रॉपर ले जाए, लेकिन जब दाने भरते हैं, फलियां लगती हैं, ठीक तरीके से ना लग पाए और उपज भी हमको कम प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए यदि आप नाइट्रोजन यूरिया का प्रयोग करना चाहते हैं तो फ्लावरिंग स्टेज से पहले पहले तक आप जो भी खादों का प्रयोग कर लीजिए। लेकिन जब मुख्य स्टेज फ्लावरिंग स्टेज पर होती है आपकी मटर की फसल, तब आपको यूरिया यानी नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना है। दूसरी गलती, जब मटर की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है तब आपको सिंचाई नहीं करनी है। कई किसान भाई क्या करते हैं कि जब फ्लावरिंग स्टेज पर मटर की क्रॉप होती है तो सिंचाई कर देते हैं। देखिए, यदि आप मटर की फसल पर फ्लावरिंग स्टेज पर क्रॉप है और यदि आप सिंचाई करते हैं तो जो फ्लावर हैं ड्रॉप भी हो सकते हैं, डंठल कमजोर भी हो सकते हैं, या फिर जो फूल आने वाले हैं या फिर फूल लगे हैं वो भी ड्रॉप हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको मटर की फसल पर जब फ्लावरिंग स्टेज पर क्रॉप होती है तब आपको सिंचाई नहीं करनी है। जो भी आपको सिंचाई करनी है मटर की फसल पर फ्लावरिंग स्टेज से जस्ट पहले आप कर लीजिए, एवं फलियां बनते समय भी आप सिंचाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, जब फूल लग रहे हों कम से कम उस टाइम तो आपको सिंचाई नहीं करनी है। तीसरी गलती, हैवी कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे। तो हमारे कुछ किसान भाई ऐसे हैं कि फ्लावरिंग स्टेज पर ही हैवी रेंज की कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे कर देते हैं, जिससे फ्लावर भी ड्रॉप हो जाते हैं, जो हमारी फसल उस पर भी झटका आ जाता है। तो इसलिए जैसे कोराजन है, एम्पलीगो है, एमोमेक्टिन बेंजोइट है, फेम है, टाकमी है, डेलीगेट जैसी हैवी रेंज की कीटनाशक दवाइयों को आपको फ्लावरिंग स्टेज पर छिड़काव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि इल्लियों का प्रकोप होता है कब, फलियां बनते समय, तब आप स्प्रे कर सकते हैं। वैसे भी फ्लावरिंग स्टेज पर कोई भी कीटनाशक दवाई या फिर हैवी रेंज की दवाइयों का कम से कम स्प्रे आप ना ही करें तो बेहतर होगा। और यदि फ्लावरिंग स्टेज पर ही इल्लियों का प्रकोप हो चुका है तो आप एमोमेक्टिन बेंजोइट का जैसे स्प्रे करना ही चाहते हैं तो आपको शाम टाइम ही आपको स्प्रे करना चाहिए, या फिर सस्ती रेंज की दवाइयों को भी आप स्प्रे कर सकते हैं फ्लावरिंग स्टेज पर। समय समय पर आपको खाद दवाइयों का ही प्रयोग करना चाहिए और आवश्यकता अनुसार ही आपको सिंचाई करना चाहिए। तो मटर की फसल पर यह कुछ ऐसी जानकारी थी जो आपको गलतियां नहीं करनी है। और यदि आप जानकारी चाहते हैं मटर की फसल पर कब कौन सी खाद देनी चाहिए, कब कौन से स्प्रे करना चाहिए, एवं A to Z संपूर्ण जानकारी हमने कुछ टाइम पहले ही वीडियो अपलोड की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को जरूर वॉच करें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो पर बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।